नमस्कार, स्टडी सर जी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं मिड टर्म एग्जामिनेशन क्लास नाइन्थ, और सब्जेक्ट है आज का हिंदी, यानी कक्षा नवमीं का जो आज हिंदी का पेपर हुआ है उस पेपर को आज हम इस वीडियो में हल करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सामान्य निर्देश दिए गए हैं जो कि आप पढ़ सकते हैं, और आप लोगों ने एग्ज़ाम के समय इनको पढ़ लिया होगा। तो आइए सबसे पहले खंड आ का जो कि बहुविकल्पीय और वस्तुपरक प्रश्न है उनको करते हैं। प्रश्न संख्या एक में कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उस पर आधारित दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प चुनिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एक गद्य खंड जो दिया गया है उसको पढ़ लेना है। अर्थवान जीवन जीने के लिए मनुष्य का लक्ष्य स्पष्ट होना चाहिए, और उस लक्ष्य के प्रति उसका पूरा समर्पण भी रहना चाहिए। बिना समर्पण के वह मनुष्य काहिल ही रहेगा। जो बुद्धिमान तो है मगर समर्पण ना होने के कारण वह अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर पाता, यानी उसके अंदर एक निरंतरता नहीं रहेगी, जिसे अंग्रेजी में कंसिस्टेंसी कहा जाता है। काहिली उसे अपना लक्ष्य पाने नहीं देगी, फलतः उसका सारा बौद्धिक कौशल भी निरर्थक हो जाएगा। इसलिए समर्पण और श्रम मनुष्य के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना लक्ष्य। कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य बिना समर्पण और श्रम के हासिल नहीं किया जा सकता है। इन तीनों का संतुलन ही जिंदगी का एक नया अर्थ है। अगले पेज में कुछ बचा हुआ गद्यांश है उसको भी पढ़ लेते हैं। करता है, जीवन सबसे बड़ा उपहार है, और उस जीवन को चलायमान बनाए रखना मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। अगर कोई मनुष्य अपनी जिम्मेदारी को चलायमान बनाने रखने के लिए उद्यम नहीं करता तो उसका यह उपहार उसके लिए रुकावट बनने में देर नहीं लाएगा। इसलिए जीवन को अर्थवान बनाए रखना मनुष्य का अपना कर्तव्य है। तो ये क्या था, एक पैराग्राफ था। इसके आधार पर हमें नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर लिखना है। तो आइए सबसे पहले प्रश्न संख्या एक को करते हैं। कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य कैसे हासिल किया जा सकता है? तो आपने पैराग्राफ में पढ़ा कि कोई भी लक्ष्य या उद्देश्य समर्पण और श्रम करके प्राप्त किया जा सकता है। तो का जो उत्तर रहेगा वो रहेगा ए। अगला प्रश्न है कि मनुष्य का जो लक्ष्य है स्पष्ट क्यों होना चाहिए? यहाँ पर चार उदाहरण दिए गए हैं, दैनिक जीवन के लिए, भोग विलास के लिए, अर्थवान जीवन के लिए, संतुष्टि के लिए। तो आप लोगों ने जो पैराग्राफ में पढ़ा है उसके आधार पर जब आप इसका आंसर लगाने जाओगे तो इसका आंसर हो जाएगा अर्थवान जीवन जीने के लिए, यानी खा का जो है सी आंसर करेक्ट होगा, सही होगा। अगला प्रश्न है, कथन ए एवं कथन आर को पढ़कर उपयुक्त विकल्प को चुनिए। कथन ए में कहा गया है जीवन सबसे बड़ा उपहार है। क्या यह बात पैराग्राफ में कही गई है? बिल्कुल कही गई है। कथन आर देखिए, उस जीवन को चलायमान बनाए रखना मनुष्य की अपनी जिम्मेदारी है। क्या कथन आर कथन ए के बात को स्पष्ट कर रहा है? बिल्कुल कर रहा है। आइए, तो इसका मतलब कथन ए भी हमारा सही है और कथन आर भी सही है, क्योंकि दोनों ही बात यहाँ पर पैराग्राफ में दी गई हैं, है ना। आइए ऑप्शन देखते हैं, कथन ए गलत है तो हमारा कथन ए तो सही है, तो हमारा आंसर नहीं हो सकता। अगला क्या है, कथन ए कारण आर दोनों ही गलत हैं। ए भी बात गलत, क्यों? क्योंकि दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला ऑप्शन है कथन ए सही और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या कर रहा है बिल्कुल। तो आपका उत्तर हो जाएगा यहाँ पर सी, यानी कथन ए सही है और जो कथन आर है वो ए की बिल्कुल सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि किन तीनों का संतुलन जिंदगी को नया अर्थ प्रदान करता है? देखिए, जल जीवन और ज़मीन इनकी चर्चा नहीं की गई है पैराग्राफ में, सुख समृद्धि और शांति की भी चर्चा नहीं की गई है, विकास संतुलन और उद्देश्य की भी चर्चा नहीं है। तो एक ही हमारे पास ऑप्शन बचता है, लक्ष्य समर्पण और श्रम, इनकी चर्चा पैराग्राफ में की गई है। अगला प्रश्न है कि जीवन को अर्थवान बनाए रखना किसका कर्तव्य है? यहाँ पर चार ऑप्शन, सरकार इसकी चर्चा ही नहीं की गई है, समाज ये भी इसका आंसर नहीं होगा, परिवार भी इसका आंसर नहीं होगा। इस पैराग्राफ में मनुष्य की चर्चा की गई है और इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि मनुष्य। आइए अगले प्रश्न को करते हैं।
प्रश्न संख्या दो में कहा गया है कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए, उस पर आधारित नीचे दिए गए प्रश्नों में जो सर्वाधिक उपयुक्त उत्तर हैं उस विकल्प को आपको चुनना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो कविता नीचे दी गई है इसको आपको पढ़ लेना है। उड़ चल हारी लिए हाथ में यही अकेला ओछा तिनका, ऊषा जाग उठी प्राची में कैसा बाट भरोसा किस किन का, शक्ति रहे तेरे हाथों में छूट न जाए यह चाह सृजन की, शक्ति रहे तेरे हाथों में रुक न जाए यह गति जीवन की, मिट्टी से जो छीन लिया वह तज देना धर्म नहीं है, जीवन साधन की अवहेलना कर्मवीर का कर्म नहीं है, तिनका पथ की धूल स्वयं तू है अनंत की पावन धूली, किंतु आज तूने नभ पथ में क्षण में बद्ध अमरता छूली। तो ये क्या है, एक कविता है, इसके आधार पर आपको जो है आगे दिए गए प्रश्नों का उत्तर बताना है। तो सबसे पहले देखिए, उपयुक्त काव्यांश में हारिल किसका प्रतीक है, तो इस कविता को जब आप पढ़ोगे तो यहाँ पर जीवन में अग्रसर चलने वाली व्यक्ति की चर्चा की गई है, यानी जो हारिल जो प्रतीक है वो जीवन में आगे बढ़ने वाले व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है, कवि व्यक्ति के हाथों में शक्ति क्यों देना चाहता है, तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए गए हैं, जिससे सृजन की चाह न छूटे, जीवन की गति ना रुक जाए। तो इन दोनों में से जो सही आंसर है वो आपको करना है। तो देखिए, कविता के आधार पर जिससे सृजन की चाह न छूटे ये भी आंसर है, और जीवन की गति न रुक जाए ये भी आंसर सही होगा, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो हमारा जो उत्तर आ जाएगा सी, यानी पहला और दूसरा दोनों ही सही हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं, ऊषा का आगमन किस दिशा से हो चुका है। आपको ही पता है ऊषा का मतलब क्या होता है, प्रातःकाल की जो सूरज की रोशनी होती है उसे हम कहते हैं ऊषा, और सूरज किस दिशा में उगता है, पूर्व दिशा में उगता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पूर्व, यानी प्राची। अगला प्रश्न है, उपयुक्त काव्यांश के माध्यम से कवि हमें क्या प्रेरणा देना चाहते हैं। तो देखिए, लोगों में लड़ते रहना ये तो बिल्कुल आंसर नहीं हो सकता, भेदभाव ही करना आंसर नहीं हो सकता, तिनका लेकर उड़ जाता ये भी नहीं हो सकता। तो हमारा आंसर क्या होगा यहाँ पर, चुनौतियों का सामना करना। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी, यानी चुनौतियों का सामना करना। अगला प्रश्न है, कर्मवीर का कर्म नहीं है, क्या कर्म नहीं है कर्मवीर का, तो मिट्टी से छीन लेना ये भी नहीं है, सृजन करना ये भी नहीं है, धर्म का त्याग करना ये भी आंसर नहीं होगा, ये बिल्कुल सही आंसर होगा, जीवन साधना की अवहेलना, है ना। तो इस प्रश्न के उत्तर भी पूरे हुए। आइए अब अगले प्रश्न को करते हैं, प्रश्न संख्या तीन जो कि आपके स्क्रीन में है, निर्देशानुसार उपसर्ग और प्रत्यय पर आधारित पांच बहुविकल्प के प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दीजिए, यानी उपसर्ग और प्रत्यय के आधार पर आपको पांच में से चार उत्तर देने हैं। तो सबसे पहले का नंबर में है, अवकाश शब्द में उपसर्ग कौन सा है। तो देखिए, सिंपल सी बात है, आ उपसर्ग है नहीं, अपी भी नहीं है, अनु भी नहीं है, एक ही उत्तर हमारे पास बचा, तो उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, अव। अगला प्रश्न है, पठनीय शब्द में प्रत्यय कौन सा है, या प्रत्यय यहाँ पर है नहीं, नी प्रत्यय है नहीं, अनु नहीं है, तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, नीय प्रत्यय, यानी खा का जो उत्तर होगा वो ए होगा, यानी नीय प्रत्यय है। अगला प्रश्न है हमारे पास, इक प्रत्यय वाला शब्द कौन सा है आपको बताना है। तो भलाई में भी इक प्रत्यय नहीं है, गरीबी में भी नहीं है, चमकीला में भी नहीं है, धार्मिक एक ऐसा शब्द है जिसमें इक प्रत्यय लगा हुआ है। अगला प्रश्न है, परि उपसर्ग लगा हुआ शब्द आपको खोजना है। तो देखिए, इसमें प्रति लगा हुआ है, इसमें परा लगा हुआ है, इसमें कोई उपसर्ग ही नहीं है, एक ही उपसर्ग है जिसमें परि उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, वो है परिक्रमा। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा परिक्रमा, ठीक है। तो आइए अगले प्रश्न को देखते हैं, अगले प्रश्न में क्या कहा गया है कि निम्नलिखित शब्दों में से अकाल्पनिक शब्द में उपसर्ग, मूल शब्द एवं प्रत्यय के सही विकल्प को चुनिए, यानी ऐसा
कौन सा विकल्प है जिसमें उपसर्ग भी सही हो, प्रत्यय भी सही हो और जो मूल शब्द है वो भी सही है। तो देखिए अकाल्पनिक में क्या है, आ उपसर्ग है, कल्पना इसका जो है मूल शब्द है और यहाँ पर इक इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। तो आपको खोजिए, इसमें एक प्रत्यय नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, एक ही हमारा आंसर होगा बी, है ना, आ प्लस कल्पना प्लस इक। तो इस प्रकार इस प्रश्न के भी उत्तर पूरे हुए। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में कहा गया है कि निर्देशानुसार समास पर आधारित पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर समास के आधार पर प्रश्न दिए गए हैं, उनमें से आपको चार प्रश्नों का उत्तर देना था। इसमें पहला प्रश्न है मनचाहा शब्द में कौन सा समास है। देखिए जब आप मनचाहा को अलग अलग करोगे, मन से चाहा है ना, और जब विभक्ति चिन्हों के आधार पर हम समास को पहचानते हैं तो वहाँ पर एक ही समास होता है, उसका नाम है तत्पुरुष समास। तो हमारा उत्तर यहाँ पे क्या होगा, मन से चाहा यानी तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है रातों रात शब्द में कौन सा समास है। तो देखिए कई बच्चे इसमें द्वंद्व समास लगा करके आए हैं, लेकिन इसका आंसर गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि दिनों दिन, रातों रात, इस प्रकार के जब कोई शब्द आते हैं तो वहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास होता है। अगला प्रश्न है बहुव्रीहि समास का कौन सा उदाहरण है। तो आमरण नहीं है, फूल और पत्ती भी नहीं है, प्रेम से आतुर भी नहीं है, नीलकंठ एक ऐसा शब्द है जिसमें बहुव्रीहि समास है। अगला प्रश्न है पंचतत्व का समास विग्रह करते हुए समास का नाम लिखिए। देखिए पंचतत्व यानी पांच तत्वों से मिला हुआ, तो यहाँ पर उत्तर क्या है, पांच तत्वों का समूह यानी जो है द्विगु। और आपको पता है जो द्विगु समास होता है वो संख्यावाची होता है, यानी जिस शब्दों में शुरू में संख्या दिखे वहाँ पर द्विगु समास हो जाएगा। अगला प्रश्न है समास का सही विकल्पों का चयन कीजिए। गिरिधर, नील गाय में कर्मधारय समास, नवरत्न में, अभी मैंने आपको बताया संख्यावाची क्या होता है, द्विगु समास होता है, तो ये भी गलत हो गया। अन्न जल, अन्न और जल, यहाँ पर क्या है, ये जो आपका द्वंद्व समास होना चाहिए लेकिन यहाँ तत्पुरुष लिखा हुआ है। गिरधर में अव्ययी भाव नहीं है, है ना, तो एक ही उत्तर है हमारे पास, नील गाय, है ना, नीली है गाय जो, यानी गाय की यहाँ पर विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पर एक कर्मधारय समास हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। प्रश्न संख्या पाँच में कहा गया है कि निर्देशानुसार अर्थ की दृष्टि से वाक्य भेद पर आधारित पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से किन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। तो अर्थ की दृष्टि से वाक्य के जो भेद हैं उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। इसमें से पहला प्रश्न है यदि वह कार्य करता तो भूखा नहीं मरता। अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य है, तो देखिए विधानवाचक हो नहीं सकता, इच्छावाचक भी नहीं है, प्रश्नवाचक भी नहीं है, एक ही आंसर बचा हमारा संकेतवाचक। अगला प्रश्न है विवेक स्कूल जाता है, इस वाक्य को जब आप आज्ञा वाचक वाक्य में बदलेंगे तो आज्ञा में क्या होता है, जाने को हो जाएगा जाओ, क्या हो जाएगा जाओ, और क्रिया देख लो एक ही यहाँ पर विकल्प दिया गया है जिसमें जाओ शब्द का प्रयोग है, विवेक स्कूल जाओ। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगले प्रश्न में एक सूची दी गई है और उसमें आपको बिल्कुल सही सूची का मिलान जो है आपको करना है। तो सूची में सबसे पहला वाक्य है मोहन बाजार जाता है, जो कि विधानवाचक यहाँ पर वाक्य है। अगला है मोहन बाजार जाओ, जिसमें आज्ञा दिया जा रहा है कि जाओ और तुम घर से मत निकलो, यहाँ पर मना किया जा रहा है, इसलिए हो गया निषेधवाचक। तो हमारा उत्तर हो गया एक का जो है तीसरा, और दूसरे का जो है क्या होगा यहाँ पर पहला, और जो है तीसरे का आंसर क्या होगा दूसरा। तो इस प्रकार आप मिलान कर सकते हैं। आइए अगले प्रश्न को करते हैं। अगला प्रश्न है अर्थ की दृष्टि से विस्मयवाचक वाक्य कौन सा होगा। तो आपको भी पता है जिसमें संबोधन का चिन्ह मिल जाए वही हमारा आंसर हो जाएगा, यानी विस्मयवाचक वाक्य वही होगा, अरे वाह इस प्रकार के शब्दों का जहाँ पर प्रयोग होता है वह विस्मयवाचक वाक्य होता है। अगला प्रश्न है ईश्वर करे आप परीक्षा में सफल हो जाओ। अर्थ की दृष्टि से इस वाक्य में कौन सा भेद होगा। तो देखिए ईश्वर करे कि आप परीक्षा में सफल हो जाओ, है ना, आपके सफल होने की कामना की जा रही है, यानी इच्छा की जा रही है, तो ये जो वाक्य हो जाएगा इच्छावाचक वाक्य होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या छः।
निर्देशानुसार अलंकार पर आधारित पांच बहुविकल्पीय प्रश्नों में से चार का आपको उत्तर देना है, यानी आपने जो अलंकार पढ़ा है उसके आधार पर आपको उत्तर देना है। तो मैंने भी अलंकार से संबंधित एक वीडियो बनाई थी, अगर आपने उस वीडियो को देखा होगा तो आपके सारे उत्तर बिल्कुल सही होंगे, है ना। तो सबसे का नंबर में कौन सा अलंकार है, पीपर पात सरिस मन डोला, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो वीडियो में हमने पढ़ा था जिस वाक्य में सा सी से सरिस समान इत्यादि शब्द मिलेंगे वहाँ पर जो है उपमा अलंकार होगा। अगला अलंकार देखते हैं, अनुप्रास अलंकार का आपको उदाहरण ढूंढना है। और अनुप्रास का मतलब क्या होता है, जिसमें एक ही वर्ण बार बार रिपीट हो रहा हो, यानी वर्ण की आवृत्ति जहाँ पर हो। तो देखिए मुदित में माँ रिपीट हो रहा, महीपत में भी माँ रिपीट हो रहा, मंदिर में भी माँ रिपीट हो रहा है ना। मुदित महीपति मंदिर आए, इसमें क्या है, इस वाक्य में माँ वर्ण की आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। अगला प्रश्न है, सिर पर जिसके असिघात रक्त चंदन है, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो आपने भी पढ़ा होगा जिस वाक्य में दो शब्दों के बीच में योजक चिन्ह आ जाता है उस लाइन में जो है रूपक अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, रूपक अलंकार। और अगर आपने हमारे चैनल में डाली गई वीडियो को देखा होगा तो आपका आंसर बिल्कुल जो है सही आया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तीन बेर खाती थी वे तीन बेर खाती है। अब देखिए क्या है, बेर और बेर एक ही शब्द की आवृत्ति हो रही है। एक बेर का अर्थ होता है बेर जो फल होता है खाने वाला, और एक बेर का अर्थ होता है समय यानी टाइम, है ना। तो जब एक ही शब्द बार बार रिपीट हो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। तो आपका यहाँ पर उत्तर क्या होना चाहिए, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार, यमक अलंकार। अगला प्रश्न है, उपमा अलंकार के अंग नहीं है, यानी उपमा अलंकार के कई सारे पार्ट्स हैं ना, उसमें से कौन सा विकल्प है जो कि उपमा अलंकार का अंग नहीं है। देखिए उपमान उपमेय, उपमान उपमेय और असाधारण धर्म, ये तीनों क्या हैं, उपमा अलंकार के भेद हैं। और भ्रांति तो अपने आप में अलग से एक अलंकार है, है ना। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, भ्रांति। तो प्रश्न संख्या 6 भी पूरा हुआ, आइए अब प्रश्न संख्या 7 करते हैं। और प्रश्न संख्या 7 में एक पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ को पढ़ना है, इसके आधार पर आपको उत्तर लिखना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ पढ़ लेते हैं, झूरी काछी के दोनों बैलों के नाम थे हीरा और मोती, दोनों पछाई जाति के थे, देखने में सुंदर, काम में चौकस, डील में ऊंचे, बहुत दिनों तक साथ रहते रहते दोनों में भाईचारा सा हो गया था। दोनों आमने सामने या आसपास बैठे हुए एक दूसरे से मूक भाषा में विचार विनिमय करते थे, एक दूसरे के मन की बात कैसे समझ जाते थे हम नहीं कह सकते, अवश्य ही उनमें कोई ऐसी गुप्त शक्ति थी जिससे जीव में श्रेष्ठता का दावा करने वाला मनुष्य वंचित है। दोनों एक दूसरे को चाट कर या सूंघ कर अपना प्रेम प्रकट करते, कभी कभी दोनों सींग भी मिला लिया करते थे, विग्रह के नाते नहीं केवल विनोद के भाव से, आत्मीयता के भाव से, जैसे दोस्तों में घनिष्ठता होते ही धौल धप्पा होने लगता है, इसके बिना दोस्ती कुछ फुसफुसी कुछ हल्की सी रहती है, जिस पर ज़्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। जिस वक्त ये दोनों बैल हल या गाड़ी में जोत दिए जाते और गर्दन हिला हिला कर चलते, उस वक्त हर एक की यही चेष्टा होती थी कि ज़्यादा से ज़्यादा बोझ मेरी ही गर्दन पर रहे। इस पैराग्राफ के ही आधार पर आपको क्या करना है, प्रश्नों का उत्तर देना है। तो सबसे पहले देखिए विचार विनिमय का क्या तात्पर्य है, विचार विनिमय मैंने अपने विचारों का आदान प्रदान करना, है ना। तो यहाँ पर पहले ही प्रश्न में ए में ही इसका उत्तर दिया गया है, विचारों का आदान प्रदान करना ही विचार विनिमय कहलाता है। दोनों सींग क्यों मिला लिया करते थे, अब देखिए आपको क्या करना है, विनोद के लिए यानी हंसी मजाक के लिए, आत्मीयता यानी अपना प्रेम प्रकट करने के लिए, तो दोनों ही बात सही हैं। तो आप इसका उत्तर लिखोगे सी, एक और दो दोनों ही यहाँ पर सही हैं। अगला प्रश्न क्या है, दोनों बैल खेत में कार्य करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा बोझ अपनी ही गर्दन पर क्यों रखना चाहते थे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, एक दूसरे का सहयोग करने के लिए वो दोनों ऐसा करते थे। अगला प्रश्न क्या है, गद्यांश के अनुसार
दोस्तों में घनिष्ठता होते ही वे क्या करने लगते हैं? तो आपको भी पता है जब दोस्तों में घनिष्ठता होती है तो धौल धप्पा करने लगते हैं ना, तो हमारा आंसर हो जाएगा डी, धौल धप्पा करने लगते हैं। अगला प्रश्न क्या है, दोनों दोस्त किस प्रकार अपना प्रेम प्रकट करते थे? तो आपको क्या बताना है, दोनों बैल थे इसलिए एक दूसरे को चाट करके सूंघ करके अपना जो है प्रेम प्रकट कर लिया करते थे। प्रश्न संख्या 8 में क्या कहा गया है, क्षितिज के गद्य पाठों के आधार पर निम्नलिखित बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ढूंढ करके आपको लिखना है। तो देखिए सबसे पहले, तो सबसे पहला प्रश्न है डाकों के लिए कौन सी जगह है जो सबसे अच्छी थी, इसके उत्तर में आपको लिखना होगा तिब्बत के डांडे। अगला प्रश्न जो है, उपभोक्तावाद की संस्कृति से क्या हानि हो रही है? तो इसका आपको उत्तर लिखना है संसाधनों का घोर अपव्यय, यानी संसाधनों का जो घोर अपव्यय हो रहा है उससे जो है संस्कृति की हानि हो रही है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित पठित पद्यांश के आधार पर बहुविकल्पीय प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प ढूंढ करके लिखिए। तो यहाँ पर आपको एक पद्यांश पढ़ना है, मानुष हो तो वहीं रस खान, बसौ ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो वहाँ बस मेरो, चरऊ नित नंद की धेनु मझारन, पाहन हो तो वहीं गिरि को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण, जौ खग हो तो बसेरऊ करौ, मिल कलिंदी कुल कदम्ब की डारन। तो एक कुछ पंक्ति यहाँ पर दी गई है, इन पंक्तियों के आधार पर आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे और इसका उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। तो प्रश्न संख्या 1 क्या है, मनुष्य रूप में कभी कहाँ जन्म लेना चाहता है? तो देखिए द्वारिका में नहीं है, अयोध्या में भी नहीं है, वाराणसी में, एक ही आंसर है गोकुल में। अगला प्रश्न क्या है, कदम्ब का वृक्ष कहाँ स्थित है? तो आपको बताना होगा, क्योंकि गोकुल में कौन सी नदी है, मथुरा में कौन सी नदी है, यमुना नदी है, तो इसका उत्तर हो जाएगा यमुना नदी में, है ना। अगला देखिए प्रश्न संख्या 9 में क्या कहा गया है, पुरंदर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है? तो पुरंदर का अर्थ होता है इंद्र, यानी इंद्र के लिए यहाँ पर पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है। अगला प्रश्न क्या है, कलिंदी कूल कदम्ब की डारन में जो कूल शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर क्या है? तो कूल शब्द का अर्थ होता है किनारा, तो आपको इसका आंसर क्या लगाना है, किनारा। और इस प्रश्न का आखिरी जो प्रश्न है, कवि किस पर्वत का पत्थर बनना चाहता है? तो देखिए गोकुल में कौन सा पहाड़ है, गोवर्धन पहाड़ है, तो इसलिए इसका उत्तर क्या हो जाएगा, गोवर्धन। अगला प्रश्न क्या है कि पाठ्य पुस्तक में निर्धारित कविताओं के आधार पर दो प्रश्नों का सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुन करके आपको लिखना है, यानी पाठ्य पुस्तक में जो कविता है उसके आधार पर आपको यहाँ पर उत्तर देना है। सबसे पहले कबीरदास जी ने संत सुजान किसे कहा है? तो अगर आप लोगों ने पाठ में पढ़ा होगा तो इसका आंसर भी आपको पता होगा कि जो व्यक्ति निरपेक्ष भाव से ईश्वर का भजन करते हैं कबीरदास जी उन्हें संत सुजान कहते हैं। अगला प्रश्न है, घर जाने की चाह से कवित्री का क्या तात्पर्य है? तो आप लोगों ने जब पाठ्य पुस्तक में पढ़ा है घर जाने की चाह, स्त्री को कवित्री कहाँ जाना चाहती है, ईश्वर के पास जाना चाहती है ना, तो घर जाने की चाह का तात्पर्य है ईश्वर के पास जाना। तो इस वीडियो में हमने खंड आ कर लिया है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न थे, खंड बा में वर्णनात्मक यानी लिखने वाले प्रश्न हैं और विद्यार्थियों ने इसका उत्तर अपने आधार पर लिख लिया होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ख़त्म करेंगे जिसमें हमने आज के प्रश्न पत्र के जो बहुविकल्पीय प्रश्न थे उसके उत्तरों के बारे में हमने यहाँ पर चर्चा की। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबके लिए मददगार साबित होगी। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।